Today, we will start chapter 12, Profit and Loss. From R.D. Sharma for class 7th for CBSE. देखो प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट इसमें कुछ टर्म्स हैं सीपी एसपी. सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस का मीनिंग क्या होता है पता है? एट द प्राइस एट विच वी विल परचेज एनी आइटम. सेलिंग प्राइस जिस प्राइस पे हम कोई चीज सोल्ड करते हैं, इसमें परचेज करते हैं, इसमें सेल करते हैं. तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है जब बच्चे एसपी ग्रेटर होगा सीपी से, तो सबसे पहले फॉर्मूला प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा यूवी का, बताइए. यूवी का प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा. किसके इक्वल? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. दूसरा, कोई चीज बच्चे आपने 10 रुपए की परचेज की, 8 में भी सेल कर दी, तो आपका लॉस हुआ ना 2 रुपए का. मतलब कॉस्ट प्राइस जब ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से, एट दैट टाइम लॉस अकर्स. सेकंड फॉर्मूला लॉस सीपी माइनस एसपी. इसके बाद बच्चे आए थे हमारे पास प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट देखो सिंपल सी बात है, कल परसेंटेज किया था. परसेंटेज में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई. प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी. जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो ऑलवेज सीपी पे होता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं होता. फोर्थ फॉर्मूला लॉस परसेंट. लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी. समझ गए बेटा? यस सर. ये तो सिंपल फॉर्मूला थे. इसके बाद बच्चे हमारे पास मेन फॉर्मूला जो आता है एसपी का, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट माइनस लॉस परसेंट. अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया तो प्लस होगा, लॉस परसेंट दिया तो माइनस होगा. अपॉन 100 इंटू सीपी. दोनों चीजें तो हो नहीं सकती ना इकट्ठी, प्रॉफिट भी हो और हमें लॉस भी हो, नॉट पॉसिबल ना. नो सर. प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा तो 100 में प्लस होके डिवाइड बाय 100, लॉस परसेंट होगा तो 100 में से माइनस करके इंटू. अब अगर सीपी फाइंड करना हो, सेम फॉर्मूला बस उल्टा हो जाएगा. 100 ऊपर हो जाएगा, ये वाले टर्म नीचे आ जाएंगे. 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी. इंटू क्या होगा? एसपी होगा. समझ गए? दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट प्राइस. ये फॉर्मूलाज आपने लर्न करने हैं इस चैप्टर को करने के लिए. इसके बिना कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा. अब एक्सरसाइज 12.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं. एक ही एक्सरसाइज है इसमें. ये सारी ना कंपेयरिंग क्वांटिटी के पार्ट हैं. रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? कंपेयरिंग क्वांटिटी. ओके, तुम्हारी बुक में एक चैप्टर बना रखा होगा इसमें. आर डी शर्मा में 4 चैप्टर बना रखी हैं वो. ओके ओके सर. एक्सरसाइज 12.1 बेटा. फर्स्ट सम, गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज फाइंड द अननोन वैल्यू. अब हमें सीपी दिया हुआ है ₹1200, एसपी गिवन है ₹1350. यदि प्रॉफिट है कि लॉस है फाइंड करना है. क्या होगा हमें? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट. फॉर्मूला एसपी ग्रेटर माइनस सी. ना सीपी. बस सीपी एसपी नेचुरली हमें पता ही है, दिख रहा है.
माइनस 1200, माइनस करो 051, रुपी 150 इज द प्रॉफिट। अब इसका जैसे थर्ड पार्ट है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था, थर्ड पार्ट। सीपी गिवन है हमें ₹720, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है, प्रॉफिट गिवन है ₹55.50। एसपी कैसे फाइंड करेंगे? देखो प्रॉफिट गिवन है ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? SP माइनस CP बस उसके नीचे प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दो, 55.50। एसपी हमने फाइंड करना है, सीपी हमें ये गिवन है इज 55.50। आप एसपी फाइंड करना है 55.50 प्लस 720, माइनस 720 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बचे 0.50 पीछे, 505, 5277, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। रुपीज डालना मत भूलना, ये तो हाँ मैं कट जाऊँ कट हो जाएगा। ऐसी फोर्थ पार्ट बेटा हो जाएगा। नेक्स्ट हम भी सेम है बेटा, कभी सीपी फाइंड करना है, कभी एसपी फाइंड करना है, हमें तीनों टर्म्स गिवन है, सीपी है, एसपी है, लॉस है, लॉस फाइंड करना है। तो सीपी माइनस एसपी, सीपी एसपी प्रॉफिट, प्रॉफिट के नीचे उसका फॉर्मूला लिख देंगे, एसपी माइनस सीपी, सीपी की वैल्यू निकल जाएगी, प्रॉफिट वही सेम कर लोगे ना। यस सर। थर्ड सम, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट लॉस दोनों में से एक चीज होगी, अगर मान लो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, अगर लॉस हुआ तो लॉस लॉस परसेंट निकलेगा। परसेंट सीपी पता है, एसपी पता है, एसपी ग्रेटर है ना सीपी से, तो प्रॉफिट होगा, दिस माइनस दिस प्रॉफिट निकल जाएगा। यस सर। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट, जितना प्रॉफिट आएगा इनटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? सीपी, फॉर्मूला पता है ना, यस सर। करके दिखाऊं सम के कर लोगे बेटा। कर लूंगी। नेक्स्ट हम भी ऐसे ही है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट, सीपी गिवन है, गेन गिवन है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी, या एसपी एंड लॉस गिवन है ना, पहले हमें सीपी फाइंड करना पड़ेगा, सीपी आएगा उसके बाद ही लॉस परसेंट फाइंड होगा। लॉस के नीचे लॉस का फॉर्मूला लिख देंगे, सीपी माइनस एसपी, एसपी की वैल्यू फिल करके उस साइड ले जाके सीपी आ जाएगा ना, फिर लॉस परसेंट निकालना है, लॉस इनटू 100 अपॉन जो सीपी की वैल्यू फाइंड की थी वो निकलेंगे। यहाँ पे भी वैसी है, कर लोगे कि करूं बेटा मैं कोई सम? फोर्थ लूंगी। फिफ्थ सम, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन सीपी गिवन है, ओवरहेड एक्सपेंसेस इतने हैं, गेन इतना है, सीपी दिस वन, ओवरहेड एक्सपेंसेस भी सीपी में ही आ जाते हैं बेटा। ओवरहेड एक्सपेंसेस भी किस में आ जाते हैं? सीपीयू सीपी में। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सीपी आएगी। मान लो कोई मार्केट में हमने कोई चीज परचेज की, उसको घर लेके आना है, रिक्शा की या ऑटो रिक्शा की, उसमें रख के लेके आए, उसको रेंट देना पड़ेगा ना, तो वो भी कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड हो जाता है, उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। समझ गए? यस सर। सीपी दिस प्लस दिस कर लेंगे, टोटल सीपी आ जाएगा, फिर गेन पता है, गेन इनटू 100 अपॉन टोटल सीपी, ये वाला सीपी नहीं लेना, दोनों का एडिशन जो आएगा वो लेना है। ऐसे ही इसमें है बेटा, लॉस इनटू 100 अपॉन टोटल दोनों का। सिक्स सम पे आ जाओ, ए ग्रेन मर्चेंट सोल्ड 600 क्विंटल ऑफ राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 7%। प्रॉफिट परसेंट गिवन है 7%, इफ अ क्विंटल ऑफ राइस कॉस्ट हिम ₹250, एक क्विंटल, अ क्विंटल का मतलब एक क्विंटल की कॉस्ट 250 है, 600 क्विंटल की 600 इनटू 250 हो जाएगा ना, यस सर। टोटल ओवरहेड चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा वर 1000, फाइंड इज टोटल प्रॉफिट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 600 क्विंटल ऑफ राइस। ये देखो कैसे,
सीपी ऑफ 1 क्विंटल ऑफ राइस, ₹250। सीपी ऑफ कितने क्विंटल है बेटा, 600 क्विंटल ऑफ राइस, 250 × 600 हो जाएगा ना, यस थ्री जीरोस, 6 5s are 30, 3 carry 12 3 15, ₹1,50,000। सीपी ऑफ 1 क्विंटल ऑफ राइस 250, 600 × 600 हो जाएगा, 1,50,000 आ गई टोटल सीपी। अब प्रॉफिट परसेंट कितना है, दैट इज 7% ना। यस यहाँ पे सीपी लिखो, अभी है टोटल सीपी तो ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड करके होगा, 1,50,000 का राइस है प्लस ₹1,000 ओवरहेड एक्सपेंसेस है ना दिए हुए हैं हमें, सर तो ₹1,51,000 आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट 7% है और फाइंड क्या करना है, टोटल प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ना, परसेंट को हटाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय इनटू सीपी, ये आ जाएगा बेटा। जीरो, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 3 carry 7 3 10, ₹10,570 क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया। एंड सेलिंग प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है ना, सीपी को उस साइड ले आए, सीपी हमारे पास ये है प्लस 10,570 क्या है, प्रॉफिट है। दोनों को ऐड करो, जीरो 0 7 5 0 1 1, ₹1,61,570। दिस इज द आंसर, समझ आ गया बेटा। सर नाउ सेवन सम, सेवन सम में देखो उन्होंने क्या लिखा है, नरेश बॉट 4 दर्जन पेंसिल्स एट रुपीज दिस आ दर्जन, आ दर्जन का मतलब 12 पेंसिल्स की कॉस्ट इतनी है, 4 दर्जन की क्या हो जाएगी, इंटू 4 हो जाएगी ना, एंड सोल्ड फॉर 80 पैसा ईच, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। सीपी ऑफ 1 दर्जन पेंसिल इज ₹10.80। सीपी ऑफ कितने दर्जन है, 4 दर्जन है ना, 10.80 × 4, 0 8 4 32 3, 4 दर्जन का मीनिंग सीपी ऑफ 48 पेंसिल्स हो गया ना बेटा, कितने रुपीज आ गया बेटा बोलो, 1 दर्जन में 12 होते हैं और 4 दर्जन में कितने हुए, 48 ही हुए ना, 12 4s are। 48 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितनी गिवन है हमें, 80 पैसा, 80% 80/100 कर दूं बेटा रुपीज में, और कितनी सेल, अगर 48 पेंसिल परचेज की है तो सेल भी 48 पेंसिल्स ही होंगी ना, यस सर 80/100 × 48, कट करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल में करेंगे। रुपी थ्री थर्टी एट पॉइंट थर्टी फोर पॉइंट फोर सेलिंग, देखो परचेज इतने में किया, सेल इतने में किया, उसको क्या हुआ, लॉस हुआ ना,
एसपी यस सर, स्मॉलर है सीपी माइनस एसपी। सीपी की वैल्यू 43.20, एसपी की वैल्यू 38.40। 0, 12 माइनस 4 8, 12 माइनस 8 4, बस रुपी, दिस इज द लॉस। नाउ दे आल्सो हैव आस्क्ड टू फाइंड द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा? लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी। लॉस 4.80 आया इनटू 100, सीपी 43.20 है। इसको मुझे नहीं कैलकुलेट करना आता, कैलकुलेट करना और परसेंटेज का सिंबल लगा देना। करोगे अपने आप? यस सर, एट सम अ वेंडर बाय ऑरेंजेस एट रुपीज 26 पर दर्जन एंड सेल देम फॉर 5 फॉर 13। फाइंड अगेन। देखो कितने दर्जन में कितने होते हैं? 12 12 की कॉस्ट प्राइस इतनी है, 1 की कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लोगे यस या 5 की कॉस्ट? सीपी ऑफ 12 दर्जन का मतलब 12, 12 ऑरेंजेस रुपी 26। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज 26/12 हो जाएगा, और कितने सेल किए हैं? 5 सेल किए हैं ना, तो सीपी ऑफ 5 ऑरेंजेस ही फाइंड कर लो। ओके okay? यस सर, यहाँ पे 6 13, 13 5 65 अपॉन 6 रुपीज। अब ये क्या था? सीपी था। एसपी कितना है 5 ऑरेंजेस का? कितना दिया हमें? 13 रुपीज दिया है। प्रॉफिट सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी ये है, सीपी 65/6 है। 13 6 78 -65, माइनस किया, प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 3 1, 13/6 रुपीस आ गया। अब परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 अपॉन सीपी हो जाएगा। सीपी ये वाला लेना है बेटा, क्योंकि हम 5 की सेलिंग प्राइस और 5 की कॉस्ट प्राइस लेके कर रहे हैं, समझ गए? ठीक है मोटी। यस सर, नाइन्थ, मिस्टर विरमानी परचेज अ हाउस फॉर 3,65,000 एंड स्पेंड रुपी 1,35,000 ऑन रिपेयर। सीपी ऑफ हाउस 3,65,000, स्पेंट ऑन रिपेयर्स। रिपेयर पे कितने स्पेंड किए? रुपी 1,35,000। टोटल सीपी दोनों को ऐड करो, 0,00,00,05। 5 लाख का कॉस्ट कर गया उसको हाउस। कितने का कॉस्ट किया? 5 लाख का। ही सोल्ड इट फोर, और कितने में सेल किया उसने? रुपी 5,50,000 में सेल कर दिया। फाइंड हिज गेन परसेंटेज, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू ये है, सीपी की वैल्यू ये है, रुपी 50,000 आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट 50,000 इनटू 100 अपॉन सीपी, ये वाला बच्चे 5 लाख, 5 जीरोस कट हो जाएंगी, 5 से 5 कट गया, 10% प्रॉफिट आ गया उसका। समझ गए बच्चे? पता यस सर, चला?
क्वेश्चन नंबर 10, शिखा परचेज अ रिस्ट वॉच फॉर रुपी 840, मुझे नहीं आता, क्योंकि युविका को अच्छी तरह आता है। शिखा परचेज द रिस्ट वॉच फॉर रुपी 840 एंड सोल्ड इट टू हर फ्रेंड एट 910। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ए बिजनेसमैन मेक्स अ 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग अ टॉय कॉस्टिंग दिस। कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, सेलिंग प्राइस फाइंड कर। कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है टॉय की, 120 है। प्रॉफिट कितना हुआ, 10% हुआ। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी। बताया था ना प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा। प्रॉफिट 10% है अपॉन 100 इनटू सीपी इज 120। 110 अपॉन 100 इंटू 120, दो जीरोस कट हो गई। 11 2 22, 2 कैरी, 11 2 13 सेलिंग प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। समझ गए? यस सर। 12th, हरीश परचेज 50 दर्जन बनानास फॉर रुपी 135। हरीश परचेज 50 दर्जन बनानास फॉर रुपी 135। 5 दर्जन बनानास वर सोल्ड नॉट सोल्ड बिकॉज दे वर रोटन, खराब हो गए थे। सिर्फ 45 दर्जन ही सेल करेगा ना। एट व्हाट प्राइस पर दर्जन शुड हरीश सेल द रिमेनिंग बनाना सो दैट द मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कि उसको 20% प्रॉफिट हो। पर दर्जन का मतलब यहां पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल, सीपी ऑफ 50 दर्जन बनाना। रुपी 135, प्रॉफिट कितना चाहिए उसको, 20% चाहिए। सेलिंग प्राइस निकल जाएगी बेटा, 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू सीपी, 120 अपॉन 100 इंटू 135, 0 5 2 2 7 6, 6 7 42, 4 कैरी 12 4 16। कितने की सेलिंग प्राइस होगी ये? कॉस्ट प्राइस 50 दर्जन की थी, बट ये सेलिंग प्राइस कितने की है, 45 दर्जन की, क्योंकि 5 दर्जन बनाना क्या हो गए थे, खराब हो गए थे ना, तो बाकी ही उसने इतने में सेल करेगा तभी प्रॉफिट होगा उसको 20%। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 दर्जन बनाना क्या आ जाएगा, 162 अपॉन 45, डिवाइड करो 162 को 45 से, कर लोगे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13, ए वुमेन बॉट 50 दर्जन एग एट रुपी 6.40 अ दर्जन, मुझे नहीं आता, अपने आप करोगे, ठीक है? यस सर। ज्योत्सना बोट 400 एग एट दिस एडवर्टाइज पर 100, मस्ट शी सेल देम सो एज ए प्रॉफिट। देखो कॉस्ट प्राइस इतनी है, और दर्जन है ना ये 400 एट 8, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग, दिस वन 1 एग अपॉन 12 हो जाएगा और 400 इंटू 400 हो जाएगा। अब पर 100 की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, पहले हम सारे की सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे जितने हैं 400 के, 400 जितनी सेलिंग प्राइस आएगी उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो पर 100 की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। समझे बच्चे? यस सर। 15 सम, और शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15% बाय सेलिंग अ बुक फॉर रुपी 230। सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड द
एक्चुअल प्रॉफिट मुझे नहीं आता, कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था ना, सर 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इनटू एसपी। ए बुक सेलर सेल हिज बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, डिस्ट्रीब्यूटर से उसने इतने में परचेज किया, ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट पता है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सिंपल फॉर्मूला। अ फ्लोरिस्ट बाय 100 डजन रोजेज एट 2 रुपी टू अ दर्जन, 1 दर्जन की 2 रुपी है, 100 डजन की क्या हो जाएगी, इंटू 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगी ना। बाय द टाइम द फ्लावर आर डिलीवर्ड 20 डजन रोजेज आर मल्टीप्लेटेड एंड आर थ्रोन अवे, एडवर्ट प्राइस शुड बी सेल्ड द रेस्ट एट नीड प्रॉफिट। वही सेम पहले वाला जैसे किया था, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 डजन निकाल लेंगे, प्रॉफिट पता है, कॉस्ट प्राइस 200 है, सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। यस उसके बाद जितनी सेलिंग प्राइस आएगी उसको 80 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 20 डजन क्या हो गए थे, खराब हो गए थे, समझ गए। लास्ट सम बाय सेलिंग एन आर्टिकल 4p to 40 मैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, व्हाट इज सीपी, सीपी फाइंड कर लोगे, सर व्हाट वुड हिज प्रॉफिट परसेंट बी इफ ही सोल्ड द आर्टिकल 4p to 75। अब सीपी पता है जो हमने निकाली है यहाँ पे, न्यू एसपी पता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, निकल जाएगा, यस सर कर लोगे ये सम। यस सर चलो यही करना है आज, ठीक है, कल हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की भी एक ही एक्सरसाइज है, स्कूल भी एक ही है शुरू क्या, कल से तो वेकेशन भी खत्म स्कूल कल स्कूल जाना है, यस सर छोड़ क्या जाना है स्कूल, क्या जरूरत है।